हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, सीबीएसई क्लास टेंथ में सोशल साइंस में इस बार क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं, और इनमें कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग हैं, मतलब जिनको पढ़ने से आपको ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं क्लास टेंथ के सभी बच्चों को एक और गुड न्यूज़ देने वाला हूं। तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरीके की वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा टाइम पर मिल जाया करे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। डाउट नेट पर होंगे अब आपके सारे डाउट सॉल्व सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में, जानिए कैसे। तो आपको करना है बस इतना कि जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उसकी फोटो खींचनी है, उसे अच्छे से क्रॉप करना है कुछ ऐसे, उसके बाद सबमिट वाला बटन दबाना है। सबमिट करते ही आपको कुछ ही सेकंड्स में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल टॉप पर। तो इस तरह आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं डाउट नेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस कुछ ही सेकंड्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो याद रहे, डाउट हो तो डाउट नेट करो। बच्चों, एक बात तो श्योर है कि आपको अभी तक ये पता चल चुका होगा कि इस बार सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और उन्हीं में से कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं जिसमें एसएसटी के क्लास टेंथ के 2019-20 यानी करेंट सेशन में कुछ चैप्टर्स को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। अब वो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन जो ओल्ड बुक्स हैं सीबीएसई या एनसीईआरटी की, उसमें आपको ये चैप्टर्स अभी भी मिल जाएंगे। और बहुत सारे किताबें बहुत सारी ऐसी हैं जहां पे अभी भी ये चैप्टर दिए हुए हैं, और उनका एक खास रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि वो चैप्टर्स अभी भी आपकी बुक में क्यों हैं जबकि वो एग्ज़ाम्स में नहीं आने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मिलते हैं। इसमें आपका ये पूरा 4 यूनिट में बटा हुआ है। हिस्ट्री आपको पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और आपको सिविक्स का पोर्शन पढ़ना है। और ये चारों चीज़ें जब आप पढ़ लोगे तो 80 नंबर इससे आपको मिलने हैं। अब इस वीडियो में हमारा फोकस इस बात पे है कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि क्या क्या एक्चुअल में आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप अपने सिलेबस को नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो यहाँ पे आपको चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से चैप्टर्स इस बार नहीं आएंगे। जैसे लिखा हुआ है द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये पीरियोडिक टेस्ट में आएगा लेकिन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। मतलब समझ लो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का चैप्टर आपकी बुक में दिया रहेगा, क्योंकि ये आपके जो स्कूल के एग्ज़ाम्स होने हैं उसमें तो ये चैप्टर पूछा जाएगा। बोर्ड चाहता है कि ये चीज़ें आप जानो, ये चीज़ें आप पढ़ो, लेकिन इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आए। ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको आपका बोझ कम करने के लिए आपके मेन एग्ज़ाम से हटा दिया है, लेकिन आपके पीरियोडिक टेस्ट में ये चैप्टर्स आएंगे। तो बुक में से नहीं हटे हैं लेकिन ये आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे, इसका यही मतलब है। आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप फिर से पढ़ने को पाएंगे कि वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर, ये आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा लेकिन मेन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और इसी तरीके से आप और नीचे जाओगे तो आपको और भी यूनिट्स में मिलेंगी, जैसे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये भी आपके मेन एग्ज़ाम में चैप्टर नहीं आएगा इस बार। अगर आप और नीचे जाओ तो जो पॉपुलर स्ट्रगल्स रहे हैं और मूवमेंट रहे हैं, ये भी आपके मेन एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं इस बार। उसके साथ ही में एक चैप्टर और है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी वाले यूनिट में बहुत सारा चेंज किया है सीबीएसई ने, और इसमें से कई चैप्टर्स इन्होंने रिमूव कर दिए हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 5 है
जो कंज्यूमर राइट्स को है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, ये आपके मेन एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन आपके इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स दिलाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। और उसका भी टेबल नीचे यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें कंज्यूमर्स राइट्स को इंक्लूड किया गया है। एक बात आपने बच्चों और गौर की होगी कि यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, और इसी टॉपिक्स के बारे में बच्चों को डिटेल में बताया गया है। टीचर्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ानी है, क्योंकि हिस्ट्री हो या जो SST के टॉपिक्स होते हैं उनका बहुत ब्रॉड रेंज होता है। तो हमने कई टीचर्स से कंसल्ट किया और डिस्कशन करने के बाद में कुछ टॉपिक्स हम आपको सिलेक्टेड बता रहे हैं, जिनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे और वो चैप्टर्स स्कोरिंग भी हैं, मतलब उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और वो टॉपिक्स आप उन पे ज़्यादा फोकस कर लेना। पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन उन चैप्टर्स पे, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं बच्चों। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये मैं आपको अब आगे बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। तो शुरुआत हम करते हैं आपके पहले यूनिट से। इसमें देखिए, जो यूरोपियन नेशनलिज्म का राइज है उसमें हमको जो पता चला, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली और नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ये दोनों टॉपिक इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वहाँ पे एक टॉपिक और आप पढ़ते हो कि एक नेशन का आइडिया क्या होता है, एक राष्ट्र होता क्या है, ये भी इस बार पूछा जा सकता है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था या उसके साथ में जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन चला, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। और साथ में ही जो डिसओबेडियंस था, सिविल डिसओबेडियंस, ये भी आपको पढ़ के जाना है यहाँ पे। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्ड की, तो उसमें जो 19th century था और उसकी इकोनॉमी थी इंटरवार के बीच में, वो इस बार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक भी आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात अगर हम करें तो इसमें जो इस बार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं मार्केट गुड्स की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि इस पे ज़्यादा चर्चा इस टाइम पे हो रही है, और साथ ही में यहाँ पे ये दो ही टॉपिक हमको बताए गए जो इम्पॉर्टेंट हैं। एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे द प्रिंट रिवॉल्यूशन कैसे हुआ इंडिया और वर्ल्ड में, और उसके बाद में इस पे सेंसरशिप के बारे में आपको पढ़ के जाना है। साथ ही में अगर हम बात करें रिसोर्सेज और उनके डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इन पे एक लॉन्ग नोट और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसके साथ में लैंड डिग्रेडेशन और सॉयल इरोजन और सॉयल कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस बार तैयार करने हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, और साथ ही में कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ये आपको पढ़ करके जाना है। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट भी इस बार इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके, आपको पता है कि ये आपके पीरियोडिक टेस्ट में है, तो ये आपके प्री बोर्ड के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ये फ़िलहाल आना नहीं है आपके मेन एग्ज़ाम में। अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो ये भी आपके मेन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। अगर हम बात एग्रीकल्चर की करें तो यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स होती हैं वो पढ़ करके जाना है, और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इस बार क्या हुआ है हमारे एग्रीकल्चर पे, ये भी इस बार इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बन रहा है। मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात हम करें तो यहाँ पे मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, उसके साथ में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज में, ये तीनों चीज़ें पढ़ करके आपको जानी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी और स्पेशियल और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये तीन टॉपिक्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं इस बार। अगर हम और आगे जाएं तो लाइफ लाइन्स जो हैं नेशनल इकोनॉमिक में, उसमें आपको कम्युनिकेशन
और टूरिज्म, ये दोनों टॉपिक्स इस बार इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जाएं, ये वाली यूनिट में जाएं, पावर शेयरिंग फेडरलिज्म या डेमोक्रेसिक डाइवर्सिटी में, तो ये पूरा पूरी ये तो पूरा आना ही नहीं है इस बार, आपको पता ही होगा। फेडरलिज्म में फेडरल कंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पढ़ना है, और डी सेंट्रलाइजेशन इंडिया में क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें इस बार इम्पॉर्टेंट हैं। पावर शेयरिंग में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम जेंडर रिलीजन एंड कास्ट की बात करें तो यहाँ पे कास्ट एंड पॉलिटिक्स इंडिया में इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। कम्युनलिज्म पे भी इस बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में ये वाला चैप्टर तो इस बार आना ही नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में। प्री बोर्ड के लिए पढ़ना चाहो तो मोबिलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ करके जाना है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो ये पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा से पूछा जाता रहा है, तो ये तो मैं कहूँगा कि आप इसको ठीक से पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में जो हैं ये भी आपको पढ़ करके जाना है। चैलेंजेस ये तो आना नहीं है ये वाला चैप्टर। इस चैप्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और डेमोक्रेसी में आउटकम्स का असेसमेंट कैसे करते हैं ये भी आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट है क्या, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी, और इस चैप्टर से इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर टाइप के, तो इनको पढ़ करके जाइएगा। किस तरीके से हम डिफरेंट कंट्रीज में कंपेयर करते हैं, साथ ही में डेवलपमेंट की जो प्रोमिसेस होती हैं अलग अलग पीपल ग्रुप या उनके उद्देश्यों के हिसाब से वो क्या होता है, और सस्टेनेबिलिटी कैसे हम रखते हैं डेवलपमेंट की, ये और इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ये तीन चीज़ें आप पढ़ करके जाएंगे। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हमेशा इम्पॉर्टेंट रहा है, टर्सरी सेक्टर भी आप पढ़ सकते हो। अगर हम बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इस टाइम पे हाइलाइटेड टॉपिक्स हैं इस बार के लिए। फिर हम बात करें मनी एंड क्रेडिट की, तो यहाँ पे आपको जो टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस हैं, लोन और एक्टिविटीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं फॉर द पुअर, ये आपको पढ़ के जाना है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपको फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट पढ़ना है, और साथ ही में आपको एक चैप्टर इसमें पढ़ना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पढ़ना है, और स्ट्रगल पढ़ना है फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो ये इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं, और अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो 80-90% मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे, और अगर आपने पूरा पढ़ा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, खूब अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको इनके क्वेश्चंस चाहिए तो हम अपने वेबसाइट examtub.com पे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी ही डाउनलोड वहाँ पे अपलोड कर देंगे, और आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो उसके लिए आप www.examtub.com पे भी जा करके ये सारी चीज़ें जान पाओगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को आप कई बार देख लीजिएगा ताकि आप ये समझ जाओगी कि कौन सा टॉपिक इस बार इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिलहाल मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।